लो यार जी, चलिए फाइनली दिन आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। की हाल चाल? सो आज बड़ा दिन आ गया जरा, आप दो तीन काम करा के लेने गड्डी दे, देख रहे बाकी कितना का टाइम लगता है, क्योंकि सर्विस में तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो या ढाई घंटे सर्विस में लग जाएंगे। दूजा देखते जो कंपाउंड भी होंगी हुई वह भी करा के लेवे, जिन्हें भी काम होंगे थोड़े सामने आप थोनों दिखावे, तो इंजॉय करा वीडियो में, तो बने रहो मेरे नाल, चैनल सबसक्राइब कर लियो। दीदी थां ते बई ने मैं सवेरे मैसेज करके पूछ लिया जी, मैं किन्ने बजे आया, कहना आ जी बई 11 बजे, पर मैं थोड़ा लेट हो गया, पैसे एंट्री चेक करो। लाता थोड़ा थोड़ा क्लीन होना होने, अज आप कंपाउंड कराए नहीं, यह सही होना कम, रात आप गिला कब चढ़ता ही कवर, वो करके झीटा ही पै गई। बी बंदे ने मैं लगता बहुत टाइम दे कवर चाढ़े हुए थे, मिट्टी जमा हुई थी सर कैसे। सो मैं लाइटा लैके आया जीडिया की इतने लगनी है, अंदरले पास थले पास, मतलब इतने जिन्ना भी होगा चान दिखूगा, नीला नीला शौक है यार थोड़े जन्ने, मतलब कि ए होंगे ना जो बंद नवा नवा शौक ज कोई चीज़ ले होंगी उन्होंने शौक जो होंगे थोड़ा जहाँ भी लवा लिए भी करा लिया वो भी करा लिया, पर रख लाँगे थोड़ा चिर, हमें महीना दो महीने छे महीने जिन्ना चिर भी आप ऑड जहाँ लगन लग गया आप चला पाँगे, यही हो सकता हम ऊपर रखे अपन कि एक भी शौक सेगा घर का घर रख लिया हूँ जिन्ना चिर तक ठीक है ठीक है करके लग्या रहूगा, गड्डी करा रोज चलनी है जो कि जाना आना उदू ही है, हम रोज तक रेंज रहते कि जिन्ना चिर भी है चलो रखे रख लेंगे बाद चुपल नहीं रख लेंगे हो सकता। सो मुद्दत बाद फाइनल राउंड के आ गई गड्डी, पहला सर्विस फिर कंपाउंड फिर फाइनल वॉशिंग, हले यदा फाइनल नहीं है, यदा मतलब कि इदो बाद हले ड्राईक्लीन भी होनी है, पर अज नहीं होगी वो शायद एक दो दिन तक होगी क्योंकि अज टाइम हो गया। दूजा ये भी उन्होंने वैदर चाहिए बहुत वधिया, मतलब रोज की धुप चाहिए ता करके गड्डी अंदरों ड्राई क्लीन वगैरह होंगी है, क्योंकि जो अज करा लिए तो रीज़न है कि जो अज करा ली फिर ये कल जो मौसम खराब हो गया बदल हो धुप ना निकली फिर मुश्क मारा करूँगा अंदर गड्डी हर बार, फिर दोबारा खर्चा पै जूगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पौने 10 बज गए मैं रोट पानी खा के वेला हो गया, मैं लेट हो गया थोड़ा जहा अपने इतों गया रहे तो आते चक्कर की होया भी सारा काम कंप्लीट होंदे होंदे नेरा ऑलमोस्ट हो ही गया सीगा, उदो बाद फिर मैं मार्केट गया थोड़ा समान लैके आता घर वास्ते क्योंकि सवेरे जाना असी कितने सवेर की वीडियो भी वधिया होगी, असी अपने पिंड जा रहे हैं तो उस चक्कर के थोड़ी बहुत लैन देने वाली मतलब कि लियाना सीगा बाजार से कुछ उस चक्कर लेट हो गए होया लेट है अपनी जी वीडियो थोड़ी घट बनी हो तुम देखा सारे ने भी सिर्फ शॉर्ट्स ही लगे हुए हैं क्योंकि उत्थे मैं रिकॉर्ड जरूर की थी अपनी आवाज़ वगैरह सारा कुछ प्रॉपर रिकॉर्डिंग की थी, पर जो घर आके देखा उत्थे तो मैंने ध्यान नहीं दिता, जो घर आके देखा उदो मैंने देखा भी वीडियो के देखा पिछे ना इन्नी नॉइस आ रही है, नॉइस किस चीज़ की मतलब वॉल्यूम पहला तो जी तुम शुरुआती वीडियो देखी होनी है जो मैं गड्डी बह उठ के बोल रहा पिछे आवाज़ आती होनी है उदो पिछे कीर्तन लग्या हुआ सी उच्ची उन्होंने लाया हुआ सी, आप अदा किसी कह नहीं सकते क्योंकि सवेर का टाइम अगले की दुकान मतलब गैरेज खोलन का हर कोई कीर्तन लाता,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ A to Z ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਤਾ, ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ 2 ਜਾਂ 3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। 4:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 11:30 ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਲ ਤੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗੇਅਰ ਦਾ, ਇੰਜਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਲੈਦਰ ਪੈ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਲੀ ਕਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਧੋਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਤੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ 10:45 ਵਜ ਗਏ, ਪਰਸਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਮਿਲਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਬਸ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ।